चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवाइजर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। आपको बता दूं कि 96% लोग आजकल वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ये मोबाइल के लिए बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है जिसमें वीडियो एडिटिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में काइन मास्टर के जितने भी टूल्स हैं इसके अंदर, मैं सब टूल्स का यूज करके आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो से आप वीडियो एडिटिंग 100% सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले से काइन मास्टर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उस जब जो टॉप पे ऑप्शन दिखाएगा वो रहेगा क्रिएट न्यू, प्लस का साइन रहेगा, वहाँ पे टच करके क्रिएट न्यू पे टच करना है न्यू वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर वो होगा एस्पेक्ट रेशियो, जो आपको वीडियो किस रेशियो में बनाना है। तो ज़्यादा करके जो वीडियो बनते हैं वो 9:16:9 में बनता है, और जो शॉर्ट्स होते हैं वो 9:16 में बनता है। तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 16:9, और इसमें वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑप्शन में आकर के आपको वीडियो सेलेक्ट करना है, कौन सा वीडियो आपको एडिट करना है। तो जहाँ भी आपके वीडियो का फाइल है उसको ओपन करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वीडियो एक सेलेक्ट करके एडिट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये वीडियो जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब इसको क्या करना है, वीडियो को हमेशा वीडियो के लाइन के इस साइड में ला करके रखना है वीडियो को। बाद में अभी मैं एक एक टूल्स को यूज करके दिखाऊंगा। अभी वीडियो को सेलेक्ट करना है, जो भी टूल्स का यूज करना है पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो यूज नहीं हो पाएगा। अभी मैं सीजर के बारे में बताऊंगा, सीजर क्या है। तो सीजर के ऑप्शन पे जब टच करेंगे तो आप देखेंगे ये सिर्फ स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज ये अनेबल है, बाकी सब डिजेबल है। ये ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब भी ये बाकी सब ऑप्शन इनेबल करना है उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को सेलेक्ट करके लाइन के उस साइड लेकर जाना है। अब इस पर टच करेंगे और सीजर पे जाएंगे तो देखिए सभी ऑप्शन हाईलाइट हो गया। क्या होता है, ट्रिम करने के लिए, ट्रिम करने के लिए ये जो मिडल लाइन है यहीं पे हम रख करके ट्रिम करते हैं वीडियो को। ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट, स्प्लिट, अगर लाइन के इस साइड रहेंगे तो हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, ट्रिम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ही साइड में हो गया, तो हमको लाइन के बीच में लाना होता है ट्रिम करने के लिए या स्प्लिट करने के लिए। तो अब क्या करना है, अब मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ट्रिम लेफ्ट। जब भी हम ट्रिम लेफ्ट करेंगे, अभी वीडियो प्ले सेलेक्ट करना है और इसके बाद ट्रिम लेफ्ट पे कर देना है, तो ये जो लेफ्ट का जो पोर्शन है वो कट हो गया। अभी ओके सेलेक्ट कर लेना है। अब प्ले करके देखते हैं, अभी ये हो गया। अब मैं दूसरा आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी वापस सीजर पे जाएंगे, ट्रिम टू राइट। अभी वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ मैं, अब इसके राइट को ट्रिम करेंगे। अभी देखिए ये इसके राइट का ट्रिम हो गया, वीडियो कट हो गया। अगर नहीं चाहिए तो हम वीडियो के राइट को कट कर दिए, ट्रिम कर दिए। अभी अगर इसको गलती से अगर ट्रिम हो गया है तो उसको वापस भी लाने के लिए यहाँ पे देखिए इसको टच करना है, वापस आ जाएगा। अनडू करने के लिए ये ऑप्शन होता है, अगर कोई गलती से कुछ हो गया तो अनडू कर सकते हैं, अब बाद में यहाँ पे रीडू कर सकते हैं। तो वापस हम इसको प्ले करके देखेंगे। अब हम इसको इसका दूसरा ऑप्शन देखेंगे, स्प्लिट। जो थर्ड ऑप्शन है वो स्प्लिट का है। स्प्लिट में क्या होता है, वीडियो को हम स्प्लिट करते हैं, जहाँ भी चाहिए आपको, यहाँ से मुझे वीडियो स्प्लिट करना है या मिडल से मुझे स्प्लिट करना है या जहाँ से भी स्प्लिट करना है, आप प्ले करके देख सकते हैं कहाँ से स्प्लिट करना है वो आपको पता चलेगा, और बाद में स्प्लिट पे टच कर देंगे। तो स्प्लिट टच करने के बाद ये पार्ट दो भाग में ये डिवाइड हो गया, जो वीडियो है डिवाइड हो गया दो भाग में। अब ये अलग हो गया एक पोर्शन और ये पोर्शन अलग हो गया, ये स्प्लिट हो गया। तो ये है स्प्लिट का ऑप्शन, इससे स्प्लिट करते हैं वीडियो को। अगर अंडू करना है तो इसको सीधा बैक जाएगा, ओके क्लिक करना है और प्ले कर देना है। स्प्लिट। अब है आपको बताएंगे फ्रीज का ऑप्शन। तो इसमें क्या करते हैं, अभी फ्रीज का, जब भी इसको सेलेक्ट करके फ्रीज करेंगे तो ये देखिए, अभी प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ आपको,
देखिए वो बीच बीच का जो वीडियो है वो फ्रीज कर चुका है। तो ये रहा फ्रीज का ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, रीडू इसको कर देते हैं, पता तो चलेगा कैसे फ्रीज करते हैं। अब वीडियो को वापस सेलेक्ट कर लेना है, और ये सीजर का ऑप्शन अभी मैं आप लोगों को पूरा बता दिया है, स्प्लिट कैसे करते हैं, और ट्रिम लेफ्ट ट्रिम राइट, और स्प्लिट वीडियो को स्प्लिट करना है तो कैसे करते हैं, आप लोग को पता चल गया। अब मैं बताऊंगा कि ये जो दूसरा ऑप्शन है बीच वाला वो क्या है। इस पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आप वीडियो पे बैकग्राउंड लगा रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। इसमें क्या करता है, ये इक्वल का साइन जो है उस पे टच कर लेते हैं तो दो वीडियो जो बैकग्राउंड होता है और ये वीडियो एक साथ अटैच हो जाता है। तो मैं ये अटैच करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए एक वीडियो मैं यहाँ से ले ले लिया, वीडियो या इमेज, एक इमेज यहाँ से ले लिया। अब देख लीजिए इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अब ऐसे आप चाहे तो वीडियो इन वीडियो वीडियो में ही वीडियो प्ले कर सकते हैं, या कुछ मैसेज डालना है तो यहाँ पे डाल करके रख सकते हैं। प्ले करके देखते हैं। कहाँ तक इसको वीडियो के एंड तक रखना है तो जस्ट ऐसे ही ड्रैग करके लास्ट तक लेकर जाना है इसको, ऐसे लास्ट तक। ये हो गया ये ऑप्शन, ओके कर देना है। अब हम आपको बताएंगे ऑडियो का, जो थर्ड ऑप्शन है ऊपर से वो ऑडियो का है। तो ऑडियो इसमें आप कम या बेसी कर सकते हैं, ऐसे किया तो मैक्सिमम 200 पे होता है। अगर इसका पिच चेंज करना है तो -1 -2, यहाँ पे 0 +1 +2 +3 ऐसे चेंज करके देख सकते हैं। अभी मैं उसको +-2 पे रख कर दिखा रहा हूँ आपको, ये आवाज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। करने के लिए यूज करते हैं इसको। अब मैं आपको बताऊंगा क्लिप ग्राफिक। अगर ग्राफिक का इस्तेमाल करना है आपको तो आप ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए ट्रेवल एंड एक्टिविटीज, अब इसको मैं टच कर लिया तो अभी अब इसको प्ले करके दिखा रहा हूँ। वापस जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। स्पीड, अब यहाँ से स्पीड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वही 4x है, 1x है। अगर वीडियो को स्लो करना है, फास्ट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 4x पे अभी है, 1x पे फास्ट और स्लो करने के लिए ऑप्शन होता है स्पीड का। तो मैं अभी 4 पे करके आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। फास्ट हो चुका है, इसके लिए ये कुछ में कुछ पता नहीं चलेगा, तो हम रीडू करेंगे इसको, वापस वीडियो सेलेक्ट करेंगे और वापस हम जाएंगे स्पीड वाले ऑप्शन पे और इसको 1 पे रखेंगे और ओके कर देंगे, और अभी प्ले करके देखेंगे। देखते हैं दूसरा ऑप्शन। अभी जो सेकंड ऑप्शन है इस लिस्ट में वो रिवर्स है, आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। अभी सेलेक्ट करके रिवर्स पे टच किया ऐसे तो वीडियो उल्टा हो जाएगा। कैंसिल करता हूँ और मैं आपको और दूसरे ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए आपको वीडियो शूट अलग एंगल से कर लिए हैं तो आपको
उसको रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए यहाँ पे जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है रोटेट एंड मिररिंग। तो आप इस पर टच करना है, आप यहाँ से ऐसे वीडियो को ऐसे घुमा सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे घुमा सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं स्क्रीन। तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। तो मैं एक करके आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी इस पे सेलेक्ट किया और प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो इसको अंडू कर देते हैं और अब हम दूसरा ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से कलर फिल्टर भी है, तो आप अगर वीडियो का कलर फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनबिल्ट बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिस पे आपको डायरेक्ट टच करना होता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी क्लियरिटी अच्छी दिख वीडियो दिख रही है, वैसे सेलेक्ट करके आप प्ले करके देख सकते हैं। वीडियो का अंडू कर देता हूँ इसको और मैं आगे का आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसको क्लिक करके आप इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं वीडियो का। अभी देखिए ब्राइटनेस बढ़ गया, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है शूट करते हैं तो वहाँ का उस टाइम का कैसा क्लाइमेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है वीडियो शूट। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसमें आप ब्राइटनेस अगर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सेचुरेशन। तो इसमें सब आप घटा बढ़ा सकते हैं। वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। एडजस्टमेंट हो गया। इक्यू में आप बेस जो है उसको बढ़ा सकते हैं, बेस बूस्टर है, बेस रिड्यूसर है, यहाँ पे साउंड इफेक्ट जो है ये सब आप करके देख सकते हैं। तो उस ऑप्शन में जाकर के आप सिलेक्ट कर सकते हैं इक्यू में, इक्वलाइजर बोलते हैं। इसमें जाकर के आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, नेचुरल, पॉप, R&B, रॉक, ये सब ऑप्शंस हैं। इसमें जाकर के अगर आपको चाहिए आवाज़ चेंज करना तो इसमें आप जाकर के चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वॉल्यूम एनवेलप का। इसमें क्या होता है, आप जिसमें का आवाज़ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। बैक जाते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रिवर्ब का ऑप्शन है इसके बाद, इसमें आप इसमें भी ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं, बाथरूम, केव, एरेना, चर्च। तो आप इसमें कोई भी सिलेक्ट करके हॉल टिले, तो हॉल का ऐसे सिलेक्ट किया और प्ले कर दिया। हैं दूसरे में। अब जो दूसरा ऑप्शन है ये वॉइस चेंजर है। अब यहां से आप आवाज चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने आवाज में शूट किया है और उसको किसी और अलग आवाज में उसको कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वॉइस चेंजर का। उसमें जाकर के अभी जैसे टू फेस्ड, एलियन, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मॉन्स्टर, बैड गाय, ऐसे सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे और प्ले करके देखेंगे। वॉइस चेंजर। अब इसके नीचे जो है विग्नेट, विग्नेट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके इसको टच करेंगे तो इससे आपको वीडियो विग्नेट होता है। अब हम दूसरे ऑप्शन में दिखाते हैं आपको। एक्सट्रैक्ट ऑडियो, आप ये इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए वीडियो शूट कर रहे हैं तो नॉर्मली जब हम वीडियो शूट करते हैं तो ऑडियो भी उसमें आ जाता है। अगर गलती से ऑडियो बराबर नहीं हुआ उस टाइम, तो हम क्या करते हैं ऑडियो को वीडियो से अलग कर लेते हैं और ऑडियो ही हम रीशूट करते हैं, सिर्फ ऑडियो, और इसमें एडिट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं।
एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो इस क्या होगा, ऑडियो अलग हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके जब इस ऑप्शन पे टच करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो ये देखिए ऑडियो जो है एक अलग ही दिखाने लगा, सेपरेट हो गया। अब उसको टच करके, इसको टच करेंगे ऑडियो को, चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें बजेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऑडियो डिलीट कर चुका हूँ, तो ऑडियो बजेगा ही नहीं। तो मैं रीडू कर रहा हूँ वापस। अभी देखिए ऑडियो को मैं वापस ला दिया हूँ, अभी प्ले करके देखते हैं। अगर मान लीजिए इस ऑडियो को आपको स्प्लिट करके बीच में कुछ और डालना है, तो ऐसे ऑडियो पे सेलेक्ट करना है क्लिक करके, और इसको आप ऐसे नीचे जाएंगे तो देखिए सीजर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, और ट्रिम टू लेफ्ट, ट्रिम टू राइट, स्प्लिट स्प्लिट कर सकते हैं। अभी देखिए ऑडियो जो है यहाँ से स्प्लिट हो गया। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो और ऑडियो को इस लाइन के अकॉर्डिंग ही स्प्लिट करना या ट्रिम करना होता है। अभी देखिए यहाँ पे मैं रख कर वीडियो को स्प्लिट किया हूँ, तो यहीं से स्प्लिट हो गया है। आपको यहाँ से रख कर करना है, तो इस लाइन को इधर रख करके स्प्लिट कर सकते हैं। तो जो ऑडियो है अभी दो टुकड़ों में बट गया है। अभी वापस मैं इस टुकड़े को थोड़ा कट करना है, तो इस पर सेलेक्ट करके वापस मैं सीजर के ऑप्शन पे जाऊंगा और ट्रिम टू लेफ्ट, और आगे का भी वीडियो कट हो गया। अंडू करना है, इस पर क्लिक करके सीधा वापस आ जाओ। ओके, जब भी अप्लाई करना है तो ओके करना ही है, टिक के ऊपर क्लिक करना ही है ओके करने के लिए। अभी प्ले करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरा ऑप्शन। वीडियो के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो एक्सेक ऑडियो था इसमें लास्ट था। अब हम आपको दिखाएंगे लेयर के बारे में, तो लेयर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। अब लेयर, लेयर पे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे टच करते हैं, और मान लीजिए इस पर कुछ आपको टाइप करके लिखना है, कुछ मैसेज लिखना है। तो देखिए यहाँ पे टेक्स है, हैंड राइटिंग है, स्टिकर्स हैं इसमें, इफेक्ट है, और मीडिया है। वीडियो मतलब अब इसमें वीडियो एक और डालना है, या बैकग्राउंड में कुछ और पोस्टर लगाना है, तो इसमें जा करके आप सेलेक्ट करके कोई भी पोस्टर लगा सकते हैं। जैसे मेरी मोबाइल है, मोबाइल को भी लगाना है, तो मैं इधर किधर भी इसको ऐसे लगा सकता हूँ, इसको बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूँ। ओके, तो लेयर में जाकर के अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं टाइप कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हाउ टू एडिट वीडियो इन काइन मास्टर, काइन मास्टर। तो यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे ये मैसेज टाइप हो गया। अब इसमें आप यहाँ पे ए लिखा है, इस पर जा करके आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो सेलेक्ट करके। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जा करके कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहिए। अभी मैं इसको रेड कर दिया हूँ, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ऐसे ड्रैग करके। तो ये हो गया, वापस लेयर में जाएंगे, देखेंगे और क्या स्टिकर्स होता है। इसमें बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं, आप स्टिकर लगाना चाहते हैं तो स्टिकर लगा सकते हैं ऐसे सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे स्टिकर आ गया, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जहाँ चाहिए उसको लगा सकते हैं। तो ये हो गया स्टिकर का ऑप्शन। अब यहाँ पे अफेक्ट है, अब ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसमें देखिए अगर कभी कभी हम वीडियो शूट करते हैं और हमको कुछ पार्ट्स नहीं दिखाने होते हैं, उस टाइम का कुछ जो वीडियो है नहीं दिखाना है, तो इसमें हम जा करके उस वीडियो को ब्लर कर देते हैं। तो ये एरिया सेलेक्ट करके मुझे इतना पार्ट नहीं दिखाना है, तो क्या कर सकते, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। तो ये अभी जब प्ले करेंगे तो ब्लर हो गया है। आपको ब्लर करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप ले करके जा सकते हैं, कि वीडियो के एंड तक ब्लर करना है या कहाँ तक ब्लर करना है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे यूज करते हैं लेयर में अफेक्ट का। उसके बाद आपको बता चुका हूँ मीडिया का ऑप्शन होता है, इसमें वीडियो या इमेज या कुछ भी डालना है तो आप उसमें बैकग्राउंड के लिए तो आप डाल सकते हैं यहाँ से मीडिया से। तो मीडिया लेयर में आपको एक दो तीन चार पांच ऑप्शन मिल रहा है, पेन
मतलब हैंड राइटिंग का, हाथ से भी कुछ लिखना है तो आप इसे टच करके ऐसे आप लिख सकते हैं, या कुछ सिंबल दिखाना है तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे है, इस पे आप कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे इरेजर है, आप इरेज कर सकते हैं ऐसे। तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन है। वापस लेयर में जाएंगे और देखेंगे टेक्स्ट का, टेक्स्ट तो आपको बता चुका हूँ। ओके, फिर वापस लेयर, दूसरा जो है स्टिकर्स है, इफेक्ट है जिसमें ब्लर करते हैं इमेज को, जो एक पोर्शन से लेकर के ब्लर करना है तो कर लेते हैं। तो इसमें मैं सब आपको बता चुका हूँ। अगर अब जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखाने जा रहा हूँ, लास्ट अभी दो बचे हैं, तो मैं एक ऑडियो को दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए इस वीडियो में आपको अपना एक ऑडियो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके डालना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ऑडियो। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर जो भी कुछ बोलेंगे आप वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसके बाद स्टॉप कर देना है। तो अभी देखिए जो मैं अभी बात किया है वहाँ पे, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ। ब्लू कलर में दिखा रहा है, ये मेरा आवाज़ है वो अभी रिकॉर्ड हो चुका है, ये जो रिकॉर्ड हुआ है। तो जो अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं वो दिखाता है ये ब्लू कलर में, तो अभी ये मैं जो अभी बोला वो आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है। अगर जो भी कुछ बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी मैं जो जो रिकॉर्ड किया हूँ उस आवाज़ को अगर बढ़ाना है घटाना है तो इसमें जाना है, थोड़ा और बड़ा कर देना है, कुछ और चेंज करना है, प्ले करके देखते हैं। ये अभी आवाज़ बढ़ गया है, अगर मुझे इसका आवाज़ कम करना है तो उसमें जा करके मैं इसको कम कर दूंगा इधर से, और अब प्ले करूंगा तो मेरा आवाज़ बराबर सुनाई देगा। यहाँ पे अगर जो भी कुछ बोलेंगे आप वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसके बाद देखिए मेरा आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो आप वीडियो के बीच में कट करके अपना ऑडियो भी लगा सकते हैं इजीली, ये रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे जा करके। तो अब जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो बीच में जब टच करेंगे, ये रेड जो पोर्शन दिखा रहा है राउंड, इसमें टच करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो बीच का ऑप्शन है वो क्या होता है। ऐसे टच करेंगे बीच में तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, कैमरे का मिलेगा और कैमकॉर्डर का मिलेगा। तो कैमरे का मैं दिखा रहा हूँ पहले, कैमरे का क्या होता है। आप वीडियो के बीच में भी कैमरे को टच करके आप ऐसे फोटो ले सकते हैं, कैमरे के बीच में फ़ोटो ले करके उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ओके करेंगे तो फोटो देखिए बीच में आ गया, वीडियो के बीच में। अभी प्ले करके दिखा रहा हूँ तो देखिए बीच में अभी जो फोटो लिया हूँ वो इसमें आ गया। अब मैं दिखाऊंगा आपको कैमकोडर का, इसमें क्या होता है, आप लाइव वीडियो ले सकते हैं उस वीडियो के बीच में ही। ऐसे करेंगे तो आप यहाँ से वीडियो ले सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये वीडियो जो है, वीडियो के अंदर वीडियो आप ले चुके हैं, प्ले करके देखते हैं। तो आप यहाँ से वीडियो ले सकते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, कैमरे का और कैमकोडर का। तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें हर एक टूल्स के बारे में बता चुका हूँ। अब हम फाइनली देखेंगे कि वीडियो को सेव कैसे करते हैं। तो ये देखिए ऊपर जो एरो दिखा रहा है कॉर्नर में, उसको ऐसे टच करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन है 108p का, 720p, 440, 480, 360। तो आजकल कोई भी 720 से नीचे यूज नहीं करता रेजोल्यूशन, तो 108p हम रखेंगे। और ये फ्रेम रेट है 30 और 25, मिनिमम 12 है, तो इसको ज़्यादा करके लोग 30 पे रखते हैं। और यहाँ पे सेव का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये वीडियो सेव हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कितने MB का है, तो 1.3 GB का ये जो वीडियो है, 1.3 GB का है। यहाँ पे ऐसे आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।